नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हर्ष तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूं बहुत ही शानदार आज के सेशन को लेकर तो मेरे सभी छोटे भाई बहन जल्दी से जुड़िएगा बहुत ही बेहतरीन आज की हमारी क्लास होने वाली है देखिए साथियों आज की इस क्लास के अंदर आपका बड़ा भाई आपके लिए लेके आया बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना साथियों ये कॉन्सेप्ट है हमारे देखिए अवतल दर्पण दर्पण और उत्तल के बारे में मतलब हमारी जो मिरर्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं किस प्रकार से उनमें देखिए रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है तो आज आपको मैं रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो बताने वाला हूँ और लेंस फॉर्मुला में और मिरर फॉर्मुला में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ाऊंगा आपको कि हमारा

एक बात मैं कहना चाहूंगा वो ये है बेटा आप लोग ना इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करो देखो क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है है ये कि बाकी बच्चों को पता ही नहीं है कि इस तरह का शानदार कंटेंट है जो लगातार इस परिवार पे दिया जा रहा है आपके कमेंट्स मुझे मिले बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स आए आप लोगों ने इस सेशन को बहुत पसंद किया है बहुत प्यारे प्यारे प्यार्ट किए तुमने लिटरली बता रहा हूं अच्छा फील होता है ये जब आप इस तरह के कॉमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको शेयर भी करना पड़ेगा आप शेयर नहीं करते तो शेयर जरूर करें क्योंकि ताकि इसकी जो रीच है वो सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे और आपकी जैसे और भी जो हैं आपके जो छोटे बहन जिनको नहीं पता इस इस परिवार परिवार के के में उनको भी कि आपको बता दो यूट्यूब पढ़ रहे हैं, मैं मना करनी कभी नहीं करता लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं जिसमें प्रॉपर नोट्स हो आपने यूट्यूब पे हमारे पढ़ाने का तरीका देखा है बिल्कुल देखा है अब एक बार ये कहना चाहूंगा और एप्लीकेशन पे देखिए साहब कि एप्लीकेशन पे कितना डिटेल से कितना सिस्टमेटिक वे में आपके सारे सारे नोट्स से जो तैयार किए जा रहे हैं ताकि आपको कभी किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना है तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं अभी मैंने रिप्रोडक्शन सिस्टम को जस्ट खत्म किया हुआ था तो रिप्रोडक्शन सिस्टम की कंप्लीट पीडीएफ भी मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है समझ गए छोटा सा पॉइंट है तो आप इसकी प्लीज पीडीएफ को जरूर देखिएगा तब आपको रियलाइज होगा कि यह कितना डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन पर तो अब ये देखिए और मैं ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी बनती है आपकी लाइक शेयर करने की तो चलिए शुरू करते हैं

गुड मॉर्निंग देखिए भैया ठीक है गुड मॉर्निंग हो गया हमारा बहुत ज्यादा अब जरा देखो ध्यान से आपको बता बेटा हम प्रकाश चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे वी हैव टॉक अबाउट लाइट लाइट और के अंदर देखिए बच्चे हम दर्पण की बात कर रहे थे तो मैंने कल आपको देखिए समतल दर्पण के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया था आज हम समतल दर्पण से थोड़ा सा आगे चलेंगे और आज हम देखिए साथियों बात करने वाले हैं यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में अब भैया मुद्दा ये बनता है कि भैया अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनते कैसे है तो अवतल दर्पण और

जुड़ जाओ उसमें क्योंकि तो आप ये मान के चलना बेटा कि इस बैच के अंदर आपको साइंस भी मिलने वाली है जीके जीएस भी मिलने वाला है मैथ भी मिलने वाली है रीजनिंग भी मिलने वाली है मतलब मैं नहीं मानता कि पूरी इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए इससे बेहतरीन कोई बैच हो सकता है ठीक है तो ये बहुत ही शानदार देखिए बेटा यहाँ पे बैच है सिलेक्शन वाला बैच है आपको इस बैच में जुड़ना पड़ेगा कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो क्योंकि तो ये बैच आपकी सभी के सभी समस्याओं का समाधान यहां पे कर देगा ये बात मान के चलना ये मैं पहले ही कहता हूं से ये मैं पहले मान के चल रहा हूं ठीक है चलो एक मिनट क्लास बेटा करते हैं शुरू एक मिनट के अंदर शुरू करते हैं देखिए 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 अब हम जब बात करेंगे इस छोटे से 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 प्यारे से को जरा समझने प्रयास ध्यान सुनो। आप यहाँ पे देख पाएंगे बच्चे कि मेरे पास में यहाँ पे देखिए गोली पृष्ठ है गोली पृष्ठ मतलब एक गोल सरफेस है अब इस गोल सरफेस की हम जब बात करते हैं तो इस गोल सरफेस की देखिए बच्चे मैंने किसी हिस्से को यहाँ पे काट दिया मैंने क्या किया इतना हिस्सा लिया इस वाले यहाँ पे पृष्ठ का और देखिए बच्चे मैंने इतना हिस्सा लिया है इस वाले प्रश्न का मतलब आपको मैं छोटा सा पॉइंट भी बताना चाहता हूँ कि एक हमारे पास में गोली सतह है और गोली सतह की हम जब बात करते हैं तो गोली सतह के ऊपर यहाँ पे अंदर से खोखली है मतलब अंदर से भरी नहीं है सोचिए अगर गेंद होती है अपने गेंद की कॉस्को वाली गेंद या रबड़ वाली गेंद अगर आपने कभी रबड़ वाली गेंद से खेला होगा तो जैसे रबड़ वाली गेंद बेटा अंदर से खोखली होती है आप उसे काट दोगे उसे काट दोगे साथियों तो काटने के बाद काटने के बाद हम जब बात करते हैं तो वहां पे किसका निर्माण होता है तो वहां पे दर्पण जैसा बनेगा लॉजिक बात है सिंपल सी बात जरा समझेगा बेटा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है आप कैसे बात करते पे जा रहे हैं हमारे नाम से भी से बना रहे तो ऊपर जो आप जाएंगे जैसे आपने बेटा गेंद देखी होगी तो गेंद को आधा काटने पर वो अंदर से खोखली होती है इसी प्रकार से देखिए बच्चे हमारे पास में कोई गोली पृष्ठ है अब गोली पृष्ठ के ऊपर अगर मैं पॉलिश कर दूंगा अंदर पॉलिश कर दूंगा बाहर पॉलिश कर दूंगा तो वहां पे दो तरह के

अब ये बताओ जब इसकी मैंने बाहर वाले हिस्से पे पॉलिश कर दी तो अंदर वाला जो हिस्सा है वो किसके रूप में काम करेगा तो अंदर वाला हिस्सा के पीछे काम करने वाला है दर्पण के रूप में और यहां पे देखिए बेटा मिरर का निर्माण होता है और इसी मिरर को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं कनके मिरर बोलते हैं लॉजिकली है भैया पॉलिश किसकी करेंगे तो सामान्यता बेटा जो पॉलिश की जाती है देखिए वो सिल्वर नाइट्रेट की की जाती है ए जी एनो थ्री की, की जाती है तो यहाँ पे सामान्यता जो पॉलिश की जाती है वो किसकी करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की करते हैं अगर आपके पास ज्यादा अच्छा पदार्थ है तो सिल्वर की कर दो जिंक की कर देते हैं जस्ता जिसे हम बोलते हैं तो ये फैक्ट यहाँ पे जरा समझने का प्रयास कीजिएगा तो हमने क्या किया इसकी बाहर वाली सतह पे तो पॉलिश कर दी तो जो बाहर वाली सतह पे पॉलिश कर दी तो अंदर वाली जो सतह है वो यहाँ पे दर्पण के रूप में काम करेगा मतलब दे विल एक्ट लाइक ए मिरर सिंपल सी बात जरा समझिए छोटा सा पॉइंट है लॉजिकली रुकिया अब जरा यहाँ पे आइए भैया हमने क्या किया फिर से गोली पृष्ठ लिया है जिसे सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं सर्कुलर हमने देखिए मैं एक पदार्थ ले लिया है अब हमने क्या किया बच्चे कि, कि इसके इतने हिस्से को काट लिया बाकी अलग कर दिया अब हमने क्या किया इसके अंदर वाले हिस्से को तो पॉलिश कर दिया मतलब जैसे मैंने पहले बाहर वाले हिस्से को पॉलिश किया था अब मैंने क्या कर दिया इसके अंदर वाले हिस्से को पॉलिश कर दिया अब देखिए जो मैंने इसके अंदर वाले हिस्से को बच्चे पॉलिश किया है तो सिंपल सी बात है बाहर वाला जो हिस्सा है वो यहां पे काम करेगा किसके रूप में देखिए दर्पण के रूप में

प्रकाश का बेटा परावर्तन करती हैं प्रकाश का अपवर्तन नहीं करती दे विल दे विल डू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट नॉट द रिफ्लेक्शन समझ में आया छोटा सा पॉइंट है मतलब यहाँ पे प्रकाश तरंगे आर पार नहीं जाने वाली प्रकाश तरंगे लौट के उसी माध्यम में वापस आ जाएंगी अब ये बताओ छोटा सा पॉइंट है अगर यहाँ से देखिए बच्चे प्रकाश तरंगे आएंगी तो भैया क्या किसी प्रकार से परावर्तन होगा नहीं होगा क्यों ये तो भैया पॉलिश है तो हमेशा पॉलिश की विपरीत दिशा में क्या होता है परावर्त, परावर्तन होता है तो ये फैक्ट यहां पे जरा समझना देखिए ध्यान से कि जब भी यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन की बेटा देखिए बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन देखिए बेटा अपोजिट होता है किसके अपोजिट होता है देखिए तो रिफ्लेक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसके पॉलिश के तो जहां पे हम पॉलिश करते हैं बेटा उसकी दूसरी सतह से क्या होता है पे परावर्तन होता है पॉलिश वाली सतह में कभी भी परावर्तन नहीं होता समझ कि नहीं छोटा सा पॉइंट है अगर कांच के बेटा मैंने पीछे पॉलिश किया तो आगे वाली सतह क्या बनेगी परावर्तित बनेगी अगर आगे पॉलिश कर दिया तो पीछे वाली सतह क्या बनेगी परावर्तित बनेगी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मानता हूं आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा क्योंकि आप ध्यान से देखिए साहब ये अवतल दर्पण है ये उत्तल दर्पण है ये दोनों के दोनों जो दर्पण बने हैं ये एक बेटर के खोखले स्फीयर से बने हैं और इसी कारण से हमने क्या नाम दिया है बच्चे तो इसे हमने गोली दर्पण नाम दिया है तो गोली दर्पण के अंदर तीन से चार चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी क्या याद करनी पड़ेंगी ये देखिए बच्चे एक गोली हिस्सा है और गोली हिस्से का सिंपल सी भाषा में केंद्र होता है क्योंकि सेंटर तो निकालते हैं क्योंकि केंद्र से दूरी क्या होती है बराबर होती है तो इसे बच्चे हिंदी में यहाँ पे कहा जाता है वक्ता केंद्र क्या बोलते हैं वक्ता केंद्र कहते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं क्लियर सारी बातें तो हर गोलीय दर्पण का केंद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है द सेंटर ऑफ द कर्वेचर और इसे अंग्रेजी के कैपिटल भाषा में सी से दर्शाते हैं मतलब अंग्रेजी का जो कैपिटल सी होता है उसे दर्शाया जाता है अब ये बताओ कि यहां पे हम जब बात करेंगे तो यहां से हर जगह की दूरी बेटा कैसी होगी सेम होगी अलग अलग होगी भैया तो सेम होने वाली है क्योंकि त्रिज्या है त्रिज्या बोले तो रेडियस है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ऐसा तो यहां से लेके बेटा इस पॉइंट तक जिसे हम ध्रुव बोलते हैं तो यहां तक की जो दूरी होती है इसे देखिए कहा जाता है द द रेडियस रेडियस ऑफ ऑफ कर्वेचर कर्वेचर और तो कर्वेचर को बेटा सिंपल सी भाषा में त्रिज्या के नाम से जानते हैं हिंदी मीडियम वाले मैं बताना चाहता हूं इसे क्या बोलते हैं वक्ता त्रिज्या के नाम से जानते हैं लॉजिक लिए सारी बातें गलती मत करना जिसे जिसे जिसे, जिसे यहां पर कैपिटल आर के द्वारा दर्शाया जाता है ये सब चीज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे जब मैं पढ़ूंगा ना आपको कल अच्छी तरह से तो न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है जो मिलने वाले हैं देखिए आज क्या है बेटा बेस है फंडामेंटल है फाउंडेशन है क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर यहाँ पे कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ती है जब तक आपका मैं फंडामेंटल क्लियर नहीं कराऊंगा आप यहां पे कैसे अपनी इमारत बनाने वाले है? तो कल की क्लास के अंदर बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं कल मैं पहले बता रहा हूं कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे बहुत मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं मतलब कतई जहर वाले सुनो ध्यान से आ जाओ अब हम चलते देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ तो भैया आपने इतना तो मुझे बता दिया ये होता क्या है कैसे होता है देखिए

तो और इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो यहां परावर्तिक होती है मतलब वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन करती है तो जैसा मैंने बताया कि ये जो दर्पण आपको ले, लेने आने वाले हैं तो इस दर्पण के अंदर यहाँ पे बाहर की जो सतह होती है वो कैसी देखिए बच्चे पॉलिश है तो इस बाहर की सतह पे तो हम क्या करेंगे पॉलिश करने वाले हैं देखो ध्यान से ये तो इस बाहर की सतह पे हमने पॉलिश की है और इसके अंदर वाली सतह को बच्चे हमने यूज किया है किसके रूप में तो आंसर दर्पण के रूप में तो ऐसे दर्पण को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं कनके मिरर बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं अब अवतल दर्पण का एक बहुत ही शानदार गुण होता है क्या होता है देखिए ध्यान से कि अवतल दर्पण का बेटा गुण होता है कन्वर्जिंग करना मतलब ये क्या करता है ये सारे के सारे प्रकाश को बेटा एक बिंदु पर केंद्रित करता है मतलब जितनी भी प्रकाश तरंगे यहां पे आती है वो सारे के सारे प्रकाश तरंगों को फैलाएगा यह केंद्रित करेगा केंद्रित करेगा तो जिस जिस

जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और मैं आपको पहले बताना चाहता हूं दिक्कत से कि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है पहले जरा मुझे कमेंट में बताओ सबके सब मजा आ रहा है सुनने में जल्दी बताओ सबके सबसे मुझे कॉमेंट करना मेरे छोटे भाई बनो क्योंकि बहुत शानदार कंसेप्ट है और मेरी जो लैंग्वेज है इट इज टू गुड ठीक है मैं अपनी चीजों पे कमांड रखता हूँ आप मेरे समझ पा मेरे शब्द मेरे डायग्राम से कितने मिलते जुलते हैं तो मेरे शब्द ज्यादा सुने क्योंकि बेटा आपको मैं पहले क्लिक करना चाहता हूँ एप्लीकेशन की बेटे चीजें बहुत अलग होती है आप यकीन मानना की एप्लीकेशन पर लैंड चैप्टर कम से कम दस से पंद्रह दिन चलता है आप सोचो मैं उसको पूरा एक घंटे में समझने की कोशिश कर रहा हूं तो कुछ छोड़ूंगा नहीं तुमने लेकिन यह समझना कि मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाने वाला हूं ताकि तुम्हारे एक अच्छा खासा रिविजन यहाँ पे हो जाए ये जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ सबके सब तक सब, सारी बातें क्लियर की नहीं है जल्दी सबके सब बताओ कमेंट के फटाफट से ठीक है ठीक है देखो ध्यान से सुनो अब हम देखिए छोटी सी बात को जरा समझते हैं देखो ध्यान से सुनो क्या मस्त मस्त कंसेप्ट है जो होने वाला है देखिए दान से बच्चे आप यहाँ पे देख पाएंगे इस छोटे से कॉन्सेप्ट को जरा समझने का बहुत ही प्यारा देखिए कॉन्सेप्ट होने वाला सुनो गोली दर्पण के अंदर हमें तीन से चार बातें जरा समझनी है क्या समझनी देखिए थोड़ा सा पॉइंट है आप देख पाएंगे बच्चे कि ये यहाँ पे पाया जाने वाला सेंटर है सेंटर मतलब ये देखिए इस दर्पण का केंद्र बिंदु है इस दर्पण के केंद्र बिंदु को बच्चे नाम दिया, केंद्र, जिसको सिंपल सी भाषा में सेंटर ऑफ़ कर्वेचर कहते हैं अब एक रेखा है सुनो होती नहीं है काल्पनिक होती है मान लेते हैं तो एक इमेजनरी लाइन है बेटा हमने जो मान ली है और इसको हमने सिंपल सी भाषा में देखिए बच्चे नाम दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं अब ये देखो जो लाइन है बेटा मुख्य अक्ष जो है इसको हमने सिंपल सी भाषा में नाम दिए अब हमारी जितनी भी प्रकाश तरंगे आती है वो सारी की सारी इस प्रकाश इस मुख्य अक्ष के बेटा देखिए समानांतर होती है क्या होती है समानांतर मतलब पैरेलल होती है तो जितनी भी लाइट तरेंगी हमारी कनके पे जितनी भी लाइट आने वाली है मैक्सिमम वो कैसी है प्रकाश वो सबकी सब, की सब? <coughs> एक इस मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी और अब ये मान के चलते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो कोई भी वस्तु कहां पे रखी जाती है मुख्य अक्ष पर रखी जाती है अब देखिए मुख्य अक्ष निकलता है सेंटर से और जब ये हमारे मिरर को काटेगा बेटा जिस पॉइंट पे काटेगा उसे हम क्या बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं क्या बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं पोल बोलते हैं ये पोल कहां बनेगा तो पोल बनता है कि जब मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर आके यहां पे किसे काटती है किसे काटती है यहां पे दर्पण को काटती है तो जिस बिंदु पे काटती है दर्पण को वहां पे किसका निर्माण होता है ध्रुव का निर्माण होता है मतलब पोल का निर्माण होता है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए अब देखिए क्या शानदार कंसेप्ट है तीन कंडीशन देखिए हम बात करने वाले सुनो तो पहली कंडीशन की जरा बात यहां पे समझना

किंग ये जो नीचे दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं तो बेटा पी ए का मतलब समझ लो यहाँ पे क्या है तो पी ए का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा और प्रिंसिपल एक्सिस को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं अब क्या शानदार कंसेप्ट भैया कंसेप्ट देखो ढंग से ढंग से देखो ये जो लाइन आ रही है ये जो प्रकाश आ रहा है बेटा ये प्रकाश अक्ष यहाँ पे क्या मुख्य अक्ष के समानांतर है इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यस अगर कई अगर कोई भी प्रकाश तरंग या कोई भी प्रकाश किरण यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो टकराने के बाद वो कहां से गुजरेगी तो टकराने के बाद बेटा वो निकलने वाली फोकस से से निकलती फोकस है फोकस से अब जरा सुनो छोटा सा पॉइंट है सी से लेके पी तक की जो दूरी वो कितनी है आर और फोकस से लेके बेटा पी तक की जो दूरी है वो कितनी है एफ है तो यहां पे बनता है आर इक्वल टू, टू टू एफ क्या बनता है आर इक्वल टू टू एफ तो f का फॉर्मूला कितना बनेगा बच्चे देखिए तो r by 2 क्या बनेगा r by 2 ये छोटा सा पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लो सबके सब भैया सब. तो कैसे आया ये लॉजिक से आया देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ सुनो छोटा सा पॉइंट है ये मैंने आपको ये बताया देखिए बच्चे कि जब भी कोई प्रकाश तरंगे जब भी कोई प्रकाश तरंगें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है व्हेन अ लाइट इज पैरेलल टू दी टू दी किसके होती बच्चे तो होती यहाँ पे किसके प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस के के ये समानांतर है कि नहीं है तो जब भी कोई बेटा प्रकाश तरंग यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो टकराने के बाद वो कहां से आएगी फोकस से गुजरेगी तो भैया फोकस से गुजरी सिंपल सी बात है जहां से फोकस से गुजरती है वहां पे लंबाई बनेगी तो सी से लेके बेटा पी तक की जो दूरी है वो कैपिटल आर है जिसे हम क्या बोलते हैं वक्ता त्रिज्या बोलते हैं और फोकस से लेके पोल तक की जो दूरी उसे बोलते हैं फोकल दूरी और यहां पे फॉर्मुला बनता है कि जो वक्ता दूरी जो वक्ता त्रिज्या होती है वो फोकल दूरी के डबल होती है तो यहाँ पे फोकस की जो वैल्यू है बेटा कितनी आएगी गई है कि आर बाय टू लॉजिकली है अब आ जाइए इस वाले डायग्राम में इस वाले डायग्राम में देखिए ध्यान से इस वाले डायग्राम में ये क्या रहा है कि अगर कोई प्रकाश तरंगे बेटा फोकस से गुजरती है तो टकराने के बाद वो यहां पे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है क्लियर हो गया सारी बातें इसमें साफ साफ क्या बता रहे देखिए कि अगर कोई प्रकाश तरंगे बेटा फोकस से गुजरेंगी फोकस से चाहे किसी भी दिशा से गुजरे चाहे किसी भी दिशा से आए बस फोकस से निकलनी चाहिए अगर कोई प्रकाश तरंगे फोकस से गुजरती है तो टकराने के बाद बच्चे देखिए वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये बात यहां पे कही है

की है कि नहीं चमकी है प्लीज कॉमेंट करो फटाफट से तुरंत गोलिक की स्पीड में कमेंट आना चाहिए जल्दी से बताओ सबके सब, के सब। <coughs> चलो क्लियर सारी बातें यहाँ तक तो की कंफर्म है कोई दिक्कत तो नहीं है देखो से अब हम देखिए बड़ा कंडीशन को बड़ा पढ़ते हैं हमारी क्या होने वाली देखिए पहली कंडीशन पे दी गई है जरा सुनो देखो बहुत प्यारी प्यारी कंडीशन यहाँ पे दी गई सुनो देखो कंडीशन देखिए पहली बच्चे क्या बोल रहा है कंडीशन देखिए ये बोल रहा है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है देखिए बच्चे सुनो ध्यान से कंडीशन हमारी पहले ये बोल रहा है कि भैया जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है तो ये कह रहा है देखिए बच्चे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है अनंत पर है इन्फानेट पर है मतलब मान लो फॉर एग्जांपल सूर्य का प्रकाश हो गया अब देखा जाए तो बेटा यहाँ पे कांच की लंबाई के देखो कांच की जो लंबाई है तो कांच के लंबाई के अनुसार सूर्य तो भैया अनंत पर ही है सिंपल सी बात है बोलो हाँ या ना है ना कंफर्म है तो जब कांच के लंबाई के कंपैरिजन में दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमसे अनंत मान लेते हैं होता नहीं अनंत मतलब मान लेते हैं वी एज्यूम टू बी एट इनफाइनाइट ठीक है अगर बहुत दूर से प्रकाश आ रहा है तो हम क्या मानते हैं अनंत मान लेते हैं अब देखिए कंडीशन क्या देखिए भैया सुनो ध्यान से यहां पर जब प्रकाश अनंत से आता है इनफाइनाइट से आता है तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के पहल होगा देखिए यहाँ पे आप जरा समझिए छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे देखिए ध्यान से तो ये देखिए बच्चे प्रकाश आने वाला है कहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर अब मैंने क्या पढ़ाया थोड़ी देर पहले आपको कि जब यहाँ पे axis, तो यहाँ पे तो भी पे मुख्य अक्ष के फोकस से गुजर रहा है। और नीचे वाला प्रकाश भी टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा तो फोकस पे क्या बनती है इमेज बनेगी प्रतिबिंब बनेगा अब ये बताओ छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुत ही तो बढ़िया हम जब बात करते हैं सर इमेज के बारे में इमेज कहां पे बनेगी तो इमेज भी देखिए बनने वाली है कहां पर फोकस पे बनेगी सिंपल सी बात है अच्छा ये बताओ ये जो इमेज बनती है ये वास्तविक बनेगी या आभासी बनेगी सर वास्तविक बनेगी क्यों बनेगी वास्तविक वास्तविक क्यों बनेगी वास्तविक इसलिए बनेगी क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में टकरा रही है बोलो हा या ना तो भैया यहां पे बनने वाली जो इमेज है वो कैसी है रियल है या वर्चुअल है रियल है ओहो भैया सुनो ध्यान से अच्छा ये बताओ छोटी है या बहुत बड़ी है तो बेटा आप कहेंगे सर यहाँ पे स्मॉल साइज है कैसे स्मॉल साइज है और बेटा बहुत ही ज्यादा छोटी है तो इसको सिंपल सी भाषा में हाईली डिमनिस्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं डिमनिस्ड बोलते हैं सर डिमनिस्ड का मतलब क्या होता है तो डिमनिस्ड का बेटा मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता भैया ये बताओ कहाँ पे बनती है तो ये इमेज बेटा देखिए बनती है कहां पर फोकस

तो सोलर कुकर में बेटा सूर्य ऊर्जा जो केंद्रित होती है वो होती है कहां पर उस दर्पण के उस दर्पण के फोकस पर कहां पर फोकस पर समझ आया कि नहीं आया ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है यहां पे क्या देखिए बेटा तथ्य है आपको बताना चाहता हूं कि इसका कंसेप्ट का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं तो ये मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी था चलो दूसरी कंडीशन देखिए तो दूसरी कंडीशन क्या है अब यहां पर वस्तु बेटा अनंत पे नहीं है देखिए अब वस्तु अनंत पे नहीं है अब वस्तु कहां पर है अब वस्तु भैया देखो कहां पर है हमारी सी के जस्ट पीछे है मतलब हम देखिए जब बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां पर है

को जरा समझते हैं भैया है कि यहाँ पे बनने वाली जो इमेज होती है भैया वो कैसी बनती है हमें इमेज की बात करते हैं देखिए बेटा इमेज बनती है बिटवीन देखिए बेटा बी डब्ल्यू का मतलब बिटवीन है बिटवीन यहाँ पे सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनी है बहुत बढ़िया अच्छा ये बताओ कैसी बनती है उल्टी बनती है सीधी बनती है देखिए तो यहाँ पे इमेज बेटा कैसी है उल्टी है और उल्टी को बेटा हम सिंपल सी भाषा में क्या से बोलते हैं इन्वर्टेड क्या बोलते हैं इनवर्टेड बोलते हैं बोलो ना लॉजिक समझो ध्यान से छोटा सा पॉइंट है लॉजिक ये देखिए बच्चे यहाँ पे स्मॉल साइज में है या लार्ज साइज में स्मॉल साइज में है अच्छा रियल है या फेक रियल है या वर्चुअल है तो बेटा रियल इमेज है क्यों क्योंकि वास्तव में यहाँ पे प्रकाश तरंगे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं बोलो हाँ कहीं सारी बातें अब आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बताना चाहता हूँ देखिये सुनो बहुत प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है सुनो जैसे जैसे मैं यहां पे वस्तु को घुमाते जाऊंगा

तो भैया हमारा अब ऑब्जेक्ट है कहां पर सी पर सी बोले तो वक्ता केंद्र पर है अब देखिए क्या मस्त कंडीशन है जहां पे यहां पे होने वाली सुनो वक्ता केंद्र से यहां पे रेखा ये है जो समांतर है और कहां से जाएगी फोकस से जाएगी इसी तरह से देखिए बच्चे यहां पर फोकस से गई है

तो बेटा आंसर है सेम हाइट की बनती है मतलब जितनी वस्तु की ऊंचाई है उतनी इमेज की ऊंचाई है है अच्छा ये बताओ सीधी बनती है, उल्टी बनती है तो भैया ये बनती है इन्वर्टर कैसी बनती है इन्वर्टर अच्छा वास्तविक है या फिर आभासी है तो बेटा ये कैसी है रियल है कैसी है रियल है रियल मतलब यहाँ पे वास्तविक इमेज का देखिए निर्माण है जो यहाँ पे होने वाला है बोलो हाँ या ना? इतनी सी बात यहां पे क्लियर नहीं हुई है तो यहाँ पे बनने वाली जो इमेज है बच्चे वो कैसी है वास्तविक है या आभासी है तो भैया यहाँ पर बनने वाली जो इमेज है कैसी है वास्तविक है क्योंकि वास्तव में यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं बोलो है ना एस आरबी बैच में सब चीजें कवर हाँ बेटा कवर हो जाएंगी आपको मैं पहले क्या बताऊँ छोटा सा पॉइंट है आपके ये जो बैचेस ना बेटा आर आर बी बैचेस और एस आर बी बचेज है इतने शानदार बैचेस हैं आप इंडिया के सभी एग्जामिनेशन की तैयारी इन बैचेस के माध्यम से कर सकते हैं बेटा समझ गए क्योंकि तो ये जो मैं साइंस बेटा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये सिर्फ रेलवेज के लिए नहीं है आपके भारत के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं उन सब में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है किस प्रकार से पढ़ना है टेंशन मत लो देखो यूट्यूब क्लास है आपको मैं बहुत बढ़िया चीजें पढ़ा रहा हूँ लेकिन

ठीक है चलो अब जर पे देखिए ध्यान से सबके सब क्लियर हो गया सारी बातें तो मैंने बताया कि जो वस्तु पर रखते हैं तो पर रखने पर हम क्या करते हैं बच्चे तो यहां पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है द इमेज फॉर्म इट इज इक्वल इट इज इक्वल टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ये यहाँ पे समझिएगा सी है देखिए बियॉन्ड सी नहीं है अब वस्तु जो है बेटा देखिए वो कहां पर है सी और एफ के बीच में है इसका मतलब ये है कि हमने वस्तु को कहां कर दिया पास में कर दिया अब वस्तु देखिए बच्चे सी और यहाँ पे एफ के बीच में है सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ मतलब तो फोकस समझा चुका हूं अब जरा यहां पे देखिए सबकी सब बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट बहुत ही शानदार कंसेप्ट है देखिए मैंने क्या बताया आपको भैया कि जैसे जैसे देखिए बच्चे मैं वस्तु को लेके आऊंगा सामने वैसे वैसे इमेज कहा कि पीछे आएगी आप इस लॉजिक में देख पाएंगे भैया कि वस्तु की हाइट यहाँ पे छोटी सी है इमेज कैसी बन रही है बड़ी बन रही है तो जैसे जैसे देखिए बड़ा सी से मैं यहाँ पे लेके आऊंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं यहाँ पे लेके आऊंगा पुल की तरफ वैसे वैसे इमेज बढ़ेगी और अब इमेज यहाँ पे बहुत बड़ी होने वाली है समझा अच्छा कैसी इमेज है रियल है या फिर वर्चुअल है रियल है अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो मैं बताने वाला नहीं हूं आपसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सुनो तो हम जब इसकी बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कंडीशन यहां पर ये यह है कंडीशन देखिए बच्चे यहां पे क्या बनती है सुनो ध्यान से कि जो ऑब्जेक्ट वो कहां पर देखिए भैया क्वेश्चन आपसे भैया ऑब्जेक्ट है हमारा पोल और फोकस के बीच में देखो ध्यान से तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है ये देखिए भैया फोकस है और ये देखिए बच्चे हमारा पोल है है क्लियर सारी बातें तो इन दोनों के बीच में है अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि कनके मिरर के अंदर बेटा सारी की सारी इमेज कैसी बनती है यहाँ पे रियल बनती है लेकिन भैया एक कंडीशन है जहां पे जाके इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल बनेगी वही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है देखो ध्यान से सुनो आपको बता दो बेटा ये सारे की सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कंडीशन पूछेंगे कंडीशन में बता रहा हूं सारे सारी ठीक है ये बात के चलना कि जिसने आज की क्लास ये देख ली ना

प्रिंसिपल पे जाने के नहीं करेंगे <coughs> क्यों नहीं करेंगे भैया दूरी के साथ इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे देखिए बेटा हम आगे चलेंगे वैसे वैसे इनकी बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो भैया इसका मतलब है कि ये दोनों प्रकाश तरंगे कभी आपस में इंटरसेक्ट करने वाले तो नहीं है तो अब क्या करेंगे इनको आभासी रूप से मिलाया जाएगा अब ये दर्पण के पीछे तो निकल रहे दर्पण के आगे चलते हैं तो दर्पण के आगे देखिए बच्चे इनको मैंने क्या क्या आभासी रूप से मिला दिया और इस वाले पॉइंट इनको मिला दिया क्लियर है।, है अब ये बताओ यहां पे बनने वाली जो इमेज है वो कैसी बड़ी है छोटी है बड़ी है तो क्वेश्चन देखिए छोटा सा बनता है भैया ये बताओ मुझे जल्दी से देखो इमेज के बारे में तो इमेज यहाँ पे कैसी बनी है देखिए बच्चे वास्तविक है या वर्चुअल है देखिए यहाँ पे कैसी यहाँ पे वास्तविक है या आभासी है आभासी है क्यों आभासी है क्योंकि बेटा इनको आपस में मिलाया नहीं है इनको मिलाया गया है मिली नहीं है इनको मिलाया गया है पहली बात यह है दूसरा पॉइंट देखिए बेटा यहाँ पे कैसी बनती है बड़ी बनती है स्मॉल बनती है देखिए तो ये बनती है लार्ज इन शेप क्या बनती है लार्ज इन शेप लॉजिकली है सारी बातें बोलो हाँ ना तो हम जब बात करते हैं तो वही कंडीशन जरा समझिएगा तो क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा ये बनता है कि एग्जामिनेशन के अंदर के सर वो कौन सी कंडीशन है कनके मिरर की कन के मिरर की मतलब यहाँ पे अवतल दर्पण की जिसके अंदर बनने वाली जो इमेज होती है वो कैसी बनती है आभासी बनती है अच्छा कभी आपने चम्मच दिखाई चम्मच देखो यहां से चम्मच तो ये देखिए बच्चे हमने चम्मच बना दी छोटी सी आपने चम्मच दिखी होगी अच्छी तरह से देखो तो ये देखिए बच्चे हमने लिया है स्पून क्या लिया है स्पून लिया है अब स्पून के अंदर आपको दो तरह के दर्पण है जो सर आने वाले देखिए एक काम कीजिएगा अब एक घर में चम्मच लीजिएगा सबके सब ठीक है और घर में जब चम्मच लोगे ना आप लोग तो चम्मच लेने के बाद देखिएगा जो मैं बताने वाला हूं तो चम्मच का देखिए ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है बच्चे ये देखिए काम करता है किसके रूप में कनकेव के रूप के रूप में मतलब ये देखिए बच्चे यहाँ पे काम करता है कनकेव मिरर के रूप में और ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये देखिए बच्चे यहाँ पे काम करता है कॉन्वेक्स मिरर के रूप में किसके रूप में कॉन्वेक्स मिरर के रूप में आप नोटिस करना कि आप जब भी चम्मच को देखोगे ऐसे देखोगे तो हमेशा आपको अपनी जो इमेज दिखाई देने वाली वो इन्वर्टेड नजर आएगी इन्वर्टेड भैया बोले तो यहाँ पे आपको जो अपनी इमेज है देखिए बेटा वो उल्टी नजर आने वाली है आप सीधी नहीं देखोगे सीधी कब देख पाओगे जब बहुत ज्यादा पास ले पाओगे ये फैक्ट यहाँ पे समझो ठीक है क्लियर सारी बातें जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर फटाफट से बालक जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर यहां तक की बातें पूरी क्लियर है की नहीं है सबके सब ठीक सब। है चलो अब जरा देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि भैया इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है कनके मिर्क का इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं जरा छोटा सा पॉइंट दिखे से बच्चे सुनो देखिए तो भैया कनके मिरर का जो इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है देखिए बच्चे देखिए वो करते हैं कहाँ पर तो वो ही हम करते हैं किसमें तो देखिए बच्चे वो करते हैं यहाँ पे डेंटिस्ट के द्वारा तो डेंटिस्ट यहाँ पे कनके मिरर के द्वारा ही सब चीजों को अच्छी तरह से देख पाता है छोटा सा पॉइंट है साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं बर्निंग मिररर मैंने बताया सोलर कुकर हो गया सोलर पैनल्स हो गए तो वहां पर अगर हम सोलर कुकर या सोलर हीटर हो गए हैं तो हम इसका यूज करते हैं किसके लिए यहाँ पे इन सब में यूज किया जाता है सोलर कुकर में यूज करते हैं हेडलाइट में गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें हम यूज करते हैं देखिए बच्चे यहाँ पे टॉर्च लाइट में यूज किया जाता है ताकि प्रकाश एक जगह पे केंद्रित हो सके ये फैक्ट यहाँ पे समझिएगा ये सबके सब यहाँ पे किसका यूज है कन के मिरर का यूज होता है इसी के जैसा देखिए बच्चे कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है अब इसके अपोजिट कर दीजिए कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चे उसे हम सिंपल सी भाषा में उत्तल दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण का देखिए जो मतलब है वो ये है कि इसमें प्रकाश को बेटा यहाँ पे केंद्रित नहीं किया जाता इसमें प्रकाश को फैला दिया जाता है अब हम यूज कहाँ पे करते हैं भैया है। तो जैसे सिक्योरिटी मिरर देखना आप कभी मॉल गए होंगे तो मॉल की दीवारों पर आपको इस तरह से देखिए एक छोटा सा दर्पण नजर आएगा आप देखेंगे भैया इस छोटे से दर्पण में लगभग मॉल का सभी का सभी हिस्सा नजर आता है तो आप यहाँ पे छोटे से भूभाग पर बड़ी बड़ी चीजों को देख पाएंगे बड़े बड़े एरिया को देख पाएंगे

है तो उसके लिए भी इस तरह के जो मिरर होते हैं वो यूज किए जाते हैं ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा बेटा पोल पर कभी किसी वस्तु को रख ही नहीं सकते हैं सुनो ध्यान से हाउ कैन यू पुट योर वस्तुएं दी पोल पोल पे कैसे वस्तु को रखेंगे पॉसिबल नहीं है ये कंडीशन पोल के पास आ सकता है लेकिन पोल पे रख नहीं सकते हैं क्योंकि पोल बेटा एक पॉइंट होता है जो मिरर का ही हिस्सा होता है समझो ये मिरर का ही हिस्सा होता है है ठीक चलो ये सारी बातें थी अब देखिए बच्चे हम जब बात करेंगे कल की क्लास में मुझे क्या पढ़ाना था तो हम कल की क्लास के अंदर बेटा के काम करने वाले हैं नुमेरिकल्स के बारे में अब मैं कल आपको बेटा यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं नुमेरिकल्स क्या पढ़ूंगा देखिए नुमेरिकल पढ़ूंगा और नुमेरिकल्स को शुरू करने से पहले आपको देखिए बच्चे मैं पढ़ाने वाला हूँ मिरर फॉर्मुला तो कल हम बेटा बहुत ही शानदार क्लास लेने वाले हैं और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो कल मैं आपको मिरर के नोमैकल्स कराऊंगा मतलब यहाँ पे दर्पण से बनने वाले जो नोमेरिकल्स होते हैं वो मैं कराने वाला हूँ कि कैसे पॉजिटिव होता है कैसे निगेटिव होता है किस में पॉजिटिव होगा किस में निगेटिव होगा कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ अब मुझे हर एक छोटे भाई बहन का जो कॉमेंट है वो इस क्लास के नीचे चाहिए जो क्योंकि मैं पहले ही कहता हूँ देखिए साथियों बहुत बढ़िया तरीके से बहुत शानदार कॉन्प्ट है जो मैं लगातार आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ अब देखिए आप

तो सिलेक्शन के लिए बेटा आपको ये सब चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी क्यों पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि तो आपको बताओ आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति दूसरा है जो पढ़ रहा होगा इसका तो सिलेक्शन लेना है तो भैया अभी से लग जाओ क्योंकि आपको बता रहा हूं कि भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ के लिए सिलेक्शन के लिए आपको स्मार्ट वर्क की आवश्यकता पड़ेगी अब देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं या तो तुम खुद यहां पे गधा मजदूरी करके यहाँ पे काम करना शुरू कर दो सिंपल सी बात है या तो गधा मजदूरी करके शुरू काम करना शुरू कर दो या फिर हमारे साथ में स्मार्ट वर्क करो मैं आपको ये बताना चाहता हूं शुरू करते हैं हमारे साथ में तो बहुत अच्छी तरह से देखिए बहुत अच्छी तरह से अपने को पूरा कर पाएंगे तो आपके सामने एक बैच है हमारा जो है आर स्पेशल बैच और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया में पूरे भारत में इससे शानदार इससे कंटेंट वाला बैच आपको शायद नहीं मिलने वाला है अगर आप अपनी तैयारी को बेस्ट करना चाहते हैं साथी तो आज ही हमारे साथ जुड़िए बैच के अंदर जहां पे आपको जहां पे कंप्लीट जीके है जीएस है मैथ्स है रीजनिंग है ये तीनों चीजें मिलने वाली हैं हम तीन हैं और 300 पर भारी है मैं मैं दावे से बोलता हूं हम तीन है साथियों लेकिन जितनी तीन सौ की टीम नहीं काम करती उससे हैं और यदि साइंस के इंडिविजुअल बैच में जुड़ सकते हैं अभी बहुत ही शानदार बेटा ऑफर चल रहा है डाउनलोड कीजिए वहां पर आपको साइंस का फाउंडेशन बैच मिलेगा जुड़िए और आज ही जुड़ जाइए क्यों क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलते हैं सिर्फ करने का देखिए इतना सारा कॉन्टेंट है मैं बताना चाहता हूँ

छोटे भाई बहनों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो मिलते हैं साथियों कल की बहुत ही शानदार प्यारी से क्लास में कल पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स कल प्रैक्टिस क्लास है तो कल मिलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे